स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास नाइन्थ के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं लक्ष्मी का स्वागत एकांकी, जिसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। और इस एकांकी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, यानी आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न क्या है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। और यह प्रश्न कितने अंक का आएगा हिंदी विषय के पेपर में, आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में जो वार्षिक परीक्षा आपकी होनी है, यह प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा, या इस प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे जब आप इसका आंसर लिखोगे? तो चलिए मैं आपको मॉडल पेपर में दिखा दूं कि यह प्रश्न कितने नंबर का आता है। यहां पर इस मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 24 का अथवा में पूछा गया है क्या कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। और प्रश्न संख्या 24 क्या है कि दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैंने दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? पन्नाधाय। आप ध्यान दीजिएगा, दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र जो कि स्त्री पात्र हैं कौन है? पन्नाधाय हैं। और इनके चरित्र चित्रण से रिलेटेड वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आपको करना क्या है, पन्नाधाय के चरित्र चित्रण से संबंधित जो प्रश्न है इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए, इस प्रश्न का भी आंसर आपको तैयार कर लेना है। यानी ये दोनों ही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपकी परीक्षा में ये दोनों ही प्रश्न आ जाते हैं तो आप किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, और यदि एक प्रश्न आता है तब आप उसका उत्तर देंगे। तो आपको इसके लिए नंबर कितने मिलेंगे? 5 नंबर। तो आज के इस वीडियो में आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। आप पन्नाधाय से रिलेटेड जो प्रश्न मैंने करवाया है, वीडियो मैंने जो प्रोवाइड कराई है, आप उसे भी देख लें और नोट कर लें, लिख लें। और आज के इस वीडियो के द्वारा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए, इसको भी आप क्लियर कर लेंगे, इसका आंसर भी तैयार कर लेंगे। आपके ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे 2023 वार्षिक परीक्षा में। और आपने यदि हिंदी विषय का रिलेटेड, हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है आपने ना देखा हो तो देख लीजिए, 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और जल्द ही मैं हिंदी विषय का न्यू मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूं आप सभी के लिए, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? लक्ष्मी का स्वागत में मुख्य स्त्री पात्र रोशन की मां है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में मुख्य स्त्री पात्र कौन है? रोशन की माता जी हैं। और रोशन की मां एक सामान्य मध्यम परिवार की सामान्य नारी हैं। रोशन की मां उस महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अशिक्षित, अहम केंद्रित्र तथा दकियानुषी पौढ़ा है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की स्त्री पात्र कौन है? रोशन की मां है। और उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट भी करते रहिए। तो यहां पर लिखा हुआ है कि उसके चरित्र में
निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं, यानी लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की जो स्त्री पात्र हैं रोशन की माँ, उनके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहली विशेषता क्या है, वाचाल। सबसे पहली विशेषता है वाचाल। रोशन की मां समय और स्थिति की गंभीरता को ना देखते हुए कट वाक्य बोलती ही रहती हैं। रोशन की माताजी समय और स्थिति की गंभीरता को ना देखते हुए कट वाक्य यानी हमेशा कड़वा बोलती ही रहती हैं। पोते की अत्यंत चिंताजनक स्थिति भी उसे अनर्गल बोलने से नहीं रोक पाती। उनका पोता गंभीर रूप से बीमार है, उसकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, फिर भी वह अनर्गल बोलने से बाज नहीं आती, अर्थात वह अनर्गल बोलने से नहीं रुक पाती हैं। यानी उनका स्वभाव क्या है, वाचाल प्रकृति का उनका स्वभाव है, अनर्गल बोलने का स्वभाव है, और वह अपने दूषित मनोभाव निरंतर प्रकट करती रहती हैं तथा अपना निर्णय अपने पुत्र पर थोप देना चाहती हैं। उनके जो दूषित मनोभाव हैं, उनकी जो दूषित मनो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो दूषित इच्छाएं हैं, वह निरंतर प्रकट करती रहती हैं तथा अपना निर्णय जो लेती हैं अपने पुत्र पर ही थोप देना चाहती हैं। उनकी चरित्र की दूसरी विशेषता क्या है, यानी उनके चरित्र की दूसरी विशेषता क्या है, परंपरागत रूढ़ियों का शिकार। परंपरागत रूढ़ियों का शिकार अर्थात प्रायः वृद्ध लोग अपने जमाने की लकीर पीटते रहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रायः जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वह अपने जमाने की लकीर पीटते रहते हैं, यानी उनके जमाने से जो चलता आ रहा है वह उसी को आगे भी करना चाहते हैं, यानी उसी परंपरा के अनुसार आगे भी चलना चाहते हैं, जो कि थोड़ा कहीं ना कहीं गलत भी होता है। हर जगह गलत नहीं होता, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं गलत होता है, जैसा कि इस एकांकी में हो रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति उनकी दृष्टि में हेय है। जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति हुई है उनकी दृष्टि में यह प्रगति क्या है, तुच्छ है, हेय है, अच्छी नहीं है। वह तो केवल अपनी पुरानी पद्धतियों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपनी पुरानी पद्धतियों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वह आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति को श्रेष्ठ नहीं मानते। रोशन की माँ भी एक ऐसी ही महिला है, और रोशन की माँ भी एक ऐसी ही महिला है जो परंपरागत रूढ़ियों का शिकार है। वह प्रायः अपनी ही लकीर पीटती रहती है, उसे भी आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति अच्छी नहीं लगती है, उसको भी यह आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति क्या लगती है, उसकी दृष्टि में हेय लगती है। वह अपने पोते का उपचार घुट्टी आदि देसी औषधियों से करना चाहती है, जबकि डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। रोशन की माँ अपने पोते का उपचार किसके साथ करना चाहती है, किससे करना चाहती है, घुट्टी आदि जो देसी औषधियां हैं उनसे करना चाहती है, जबकि डॉक्टर ने क्या बताया है कि डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति यानी उसके पोते की स्थिति अत्यंत गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है, अर्थात उसकी स्थिति इतना ज्यादा गंभीर है कि यदि उसे ठीक तरह से उपचार ना मिला तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन रोशन की मां अपने पोते का उपचार घुट्टी आदि देसी औषधियों से करना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। रोशन के मां की चरित्र की अगली विशेषता क्या है, कठोर व भावनाहीन। कठोर व भावनाहीन यानी उसका स्वभाव कैसा है, कठोर है और उसके अंदर भावना ही नहीं है, उसका स्वभाव भावनाहीन है, उसका हृदय भावनाहीन है, उसमें भावना ही नहीं है। स्त्री होने के बावजूद उसमें लेस मात्र की भी ममता व सहानुभूति नहीं है। हालांकि रोशन की माँ स्त्री है, इसके बावजूद भी उसमें लेस मात्र की
ममता व सहानुभूति है ही नहीं, वह ना तो अपने पुत्र की पीड़ा समझती है और ना ही अपने पोते का कष्ट उसे द्रवित कर पाता है। रोशन की माँ ना तो अपने पुत्र की पीड़ा को समझती है, यानी मेरे पुत्र पर क्या दुख है, क्या उसे पीड़ा है, क्या कष्ट है, वह नहीं समझती और ना ही अपने पोते का कष्ट उसे द्रवित ही कर पाता है। उसे भावनाहीन है इतनी ज्यादा कि वह अपने पुत्र और पोते के कष्ट को समझती ही नहीं है, उसका दिल पत्थर का है। बहू का मर जाना तो उसे रत्ती भर भी प्रभावित नहीं करता। उसकी बहू जब मर जाती है, अर्थात रोशन की पत्नी जब मर जाती है, तो रोशन की मां को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसे रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह तो अपने पुत्र की दूसरी शादी करके धन व मौज मस्ती की आशा लगाए हुए है। वह अपने पुत्र की दूसरी शादी करके धन और मौज मस्ती की आशा लगाए हुए बैठी है। अतः रोशन की माँ एक अत्यंत निम्न मनोवृत्ति की दकिया नूशी व लोभी स्त्री है। अतः आप कह सकते हो, अतः लेखक के अनुसार रोशन की माँ एक अत्यंत निम्न मनोवृत्ति की दकिया नूशी व लोभी स्त्री है। उसका चरित्र चित्रण लेखक ने अत्यंत यथार्थता से एक लोभी माँ के रूप में, जो अपनी लालसाएं पूरी करने में लगी है, उसी के अनुसार किया है। तो रोशन की माँ के चरित्र की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है वाचाल, दूसरी विशेषता है परंपरागत रूढ़ियों का शिकार, और तीसरी विशेषता है कठोर व भावनाहीन। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रोशन की माँ के चरित्र चित्रण से संबंधित यह जो प्रश्न है इसका आंसर। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। यहां पर आपको हिंदी विषय और सामाजिक विज्ञान से तथा चित्रकला विषय से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें, अपने कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे जरूरी बात, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिए। जी हां, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि आप अपनी नोट्स बनाते रहेंगे तो आपकी राइटिंग यदि अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी और भी, और यदि अच्छी नहीं हो रही है तो अच्छी होने लगेगी और आपको अच्छे से समझ में भी आता रहेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।